नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ लखनऊ के मोबाइल मार्केट में। ये श्रीराम टावर है, ये एक पूरा मोबाइल मार्केट है और हाईटेक मोबाइल यहाँ मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे नाका है, नाका जरा सा इससे नीचे आता है, लेकिन ये हाईटेक मार्केट है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ गणपति एक फर्म है, उनके यहाँ मैं आया हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुनील अरोरा है सर। सुनील जी, क्या पोजीशन है, क्या हालात है? पोजीशन ठीक है सर, धीरे धीरे सुधर रही, लेकिन उतना एक जो बूम होता था हम लोग के पहले, जैसे दशहरे में जो बूम शुरू होता था और वो बूम दिवाली तक चलता था, मतलब 20-22 दिन 25 दिन हम लोग को फुर्सत नहीं होती थी, कुछ ना कुछ काम होता ही रहता था, कस्टमर होते थे। लेकिन खैर अब धीरे धीरे आ रहा है और देखिए अभी टाइम लगेगा। खैर वो बूम नहीं है जो हर दिवाली में होता था। क्यों ऐसा, क्यों क्या लग रहा है? समझ ही में नहीं आ रहा है कि मतलब सड़कों पे भीड़ है, आप देखिए गाड़ियां दौड़ रही हैं, बहुत भीड़ है। अय्यागंज अमीनाबाद में बहुत भीड़ है, पर दुकानों पे सन्नाटा, हम भी खबर लेते रहते हैं। तो अब देखिए आगे क्या है, यही ऊपर वाले से है कि देखिए शायद पहली से मार्केट उठे और एक बहुत अच्छा बूम आए। जो उम्मीद थी कि नवरात्र में अच्छा जाएगा, फिर दीपावली पे, वो उस पर कायम नहीं हो पाया। नवरात्र के शुरू के 1-2 दिन 3 दिन बहुत अच्छा गया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट स्लम हुई जो अभी तक करीब करीब है। बाकी धीरे धीरे लग रहा है, उम्मीद है कि हम आशा की किरण एक ज्योति जला सकते हैं। कोविड की वजह रही है? कोविड की वजह, कोविड, अब सर कोविड तो देखिए यूपी में धीरे धीरे खत्म हो ही गया लगभग लगभग सब। इसे योगी जी के अथक प्रयास के बाद जो वैक्सीनेशन हुआ, टीके लगे, सब टीकाकरण हुआ, कोरोना धीरे धीरे गॉन हो रहा है, बट लगता है उसका असर अभी लोगों के दिलों में जैसे परछाई है। कैसे दबाए हुए ऐसा लग रहा है लोग, पैसे पब्लिक पैसा रोक के चल रही है, निकाल नहीं रही। क्या है फिलहाल दिवाली में वो बूम जो हमेशा हर साल आता था, वो पिछले साल से थोड़ा सा कमी लग रहा है। मतलब स्टाफ के लिए पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है सर। जो भी है कस्टमर आ रहे हैं, आज अभी 27 तारीख हुई है, उम्मीद है कि 28-29 या पहली से लोग ही मार्केट उठे और आगे बढ़े और सब खुशी हंसी खुशी के साथ दिवाली का त्यौहार मनाए। देखिए इनको अभी भी उम्मीद है और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये भी यही सोच रहे हैं कि अभी हो सकता है कि दीपावली तक मार्केट पकड़ ले। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं मार्केट के? पोजीशन सर मार्केट की, ऑनलाइन की सेल देखते हुए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। 80% कस्टमर हमारा ऑनलाइन ही विजिट कर रहा है। जो कस्टमर आ भी रहे हैं वो भी एक अच्छे ऑफर की वजह से आ रहे हैं, कि एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं, उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि इस हालात में इस वजह से कुछ खास ऑफर है नहीं, तो इसलिए हम भी उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छा कुछ मिल जाएगा आपको। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में आप देख ही रहे हैं कस्टमर है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, कितने साल से इस फील्ड में? मुझे हो गया होगा 5 ईयर्स ओल्ड। 5 साल में पहली बार आपने ऐसे बुरे हालात देखे? इसके पहले भी मंदी आई, टाइम टू टाइम चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। मतलब हर साल की अगर हम बात करें, हर साल मार्केट खराब होती चली जा रही है, इंक्लाइन होता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, डी ग्रोथ होती चली जा रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन ऊपर आता जा रहा है, वैसे वैसे मार्केट खत्म होती चली जा रही है। वो किसी भी मार्केट का हो, चाहे आप कपड़े की मार्केट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो। मतलब ऑनलाइन एक बड़ी वजह दिखती है, कोविड उतनी वजह नहीं है जितनी ऑनलाइन है। कोविड की वजह से तो कस्टमर के पास पैसा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दबा के चल रहा है। अब आगे का कुछ पता नहीं रहता है कि कस्टमर कब कहाँ क्या दिक्कत आ जाए, इसलिए वो जहाँ बेस्ट होता है बस वो वहीं पे परचेजिंग करता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो एक शौक था लोगों का वो नहीं रह गया, जरूरत रह गई। जरूरत रह गई है जी सर, नीड है, बस जरूरत है, मोबाइल है हमारी जरूरत है, तो जितना कम से कम में हो जाए पूरी वो ज़्यादा बेटर है बस। और उसके लिए ज़्यादा अच्छे ऑफर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जहाँ मिल जाएंगी कस्टमर वहीं मूव हो जाएगा। इस दुकान में ही स्थिति मैं देख रहा हूँ, ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो क्या ये हालात इसके पहले कभी नहीं थे ऐसे? सर देखिए मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है, बट अप डाउन इतना भी ज्यादा नहीं चलता रहता है कि सुबह शाम हो जाए और कस्टमर ही नहीं। ये जो सीजन चल रहा है ऐसे में तो ऐसे हालात कभी नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हालात नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा ये ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, और आए दिन सेल, बिग बिलियन डेज अभी निकला, कितना कस्टमर वहाँ पे मूव कर गया। और फिर अभी दीपावली सेल फिर से आ रही है, अभी 23 तारीख से कल से स्टार्ट सेल फिर से ऑनलाइन वाली, तो इसलिए हम लोग को भी फेस करना पड़ रहा है सब सारी दिक्कतें। देखा आपने, ये कितनी मेन बात, जो मेन वजह जो है इस मार्केट की, इस मोबाइल मार्केट की जो है, मोबाइल फील्ड की, इन्होंने बता दी है कि कोविड उतना वजह नहीं रखता है, वजह मेन है ऑनलाइन। सिरा मार्केट में एक और दुकान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर रजत कुमार गुप्ता नाम है मेरा। फर्म का नाम? गुरु मोबाइल, श्रीराम टावर। श्रीराम टावर,
क्या हालात हैं, क्या ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे? ग्राहक तो नहीं आ रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं पूरा सन्नाटा है यहाँ पे। क्यों, वजह क्या है, तो आपको क्या लगता है? सर हमको तो इसमें लग रहा है सर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मार्केट अब डाउन चल रही है, कहीं भी इतना मार्केट रह नहीं गया है, उतना फुटफॉल पहले होता था जैसे यहाँ पे नंबर वन मार्केट है आपकी एशिया की, उतना यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम सन्नाटा पड़ा है, उतनी मार्केट अब नहीं रहेगी, काफ़ी लोग परचेसिंग कम कर रहे हैं, लोग पैसे दबा के चल रहे, पैसे दबा के सर बचे नहीं होंगे पैसे, लॉकडाउन लोग वैसे ही परेशान हो चुके हैं, तो अब इसलिए वजह से बड़ा सा दिक्कत। उम्मीद थी लोगों को कि मार्केट उभर के आएगी, जैसा रोड पे दिख रहा है भीड़ है चहल पहल है, लेकिन यहाँ दुकान में नहीं आ रहे। नहीं सर दुकान पे भीड़ नहीं है, मार्केट बाहर तो आपको काफी क्राउड मिलेगा, बट मार्केट में नहीं, यहाँ पे मार्केट नहीं है। लोगों ने बताया कि ये जो आपकी लाइन है इसमें ऑनलाइन वालों ने भी बहुत सेनमारी की है। सर ऑनलाइन का फर्क आपको कितनी दिक्कत है? सर ऑनलाइन फर्क तो काफी अच्छा हो गया है, मतलब ऑन आप घर बैठे आपको उससे अच्छे प्राइस मिल रहा है, लोग ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो प्राइस? सर ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस आपको मिल रहा है, लेकिन अब ये कि आदमी जाना नहीं चाहता, घर पे ही अपना ऑनलाइन बुक कर लिया, उनको बैग का भी ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो सुनारा आपने बैग भी कर लिया और प्राइस इक्वली आ जाते हैं, तो ये फर्क भी पड़ रहा है मार्केट का। आप वो प्राइस में दे सकते हैं, वो रेट में आप भी देंगे ऑनलाइन अगर लोग आए? सर सैमसंग की बात करें, सैमसंग का प्राइस इक्वल है चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, बट ये है कि अब ऑनलाइन मार्केट में ये कि आदमी घर बैठ भी मंगा रहा है, किसी को गिफ्ट करना है उसे मंगा के यहाँ से भेज दिया, अब मार्केट नहीं जाना चाहता है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ऑनलाइन काफ़ी मार्केट कवर कर लिया इस समय। जी देखा आपने, इनका ये कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम ऑनलाइन वाले रेट में ही इनको देंगे मोबाइल, पर लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। यहाँ एक दुकानदार हैं, इनका काम रिपेयरिंग का है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन जी आपका काम तो रिपेयरिंग का है, एसेसरीज का है, तो आपको कितना फ़र्क पड़ा है ये बताएं। डीपली इम्पैक्ट तो ओवरऑल लॉकडाउन के बाद से ओवरऑल मार्केट पे है, बस ये है कि नए हैंडसेट के कंपैरिजन में रिपेयरिंग का काम थोड़ा ठीक चल रहा है। क्यों क्यों? ये तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो हैं तो उस पर जो गार्जियंस हैं तो वो ये नहीं चाहते कि हम नए फ़ोन में उतना एक्सपेंस करें, तो पुराने फ़ोन्स भी अगर हैं तो उनकी सर्विस करा के वो चाहते हैं कि हम बच्चों को देना है तो नए फ़ोन के कंपैरिजन में पुराने फ़ोन को करा लें, क्योंकि खर्चे आदमी कंट्रोल करने जाता है, दो महीने के लॉकडाउन में उसकी जो इनकम थी वो ऐसी चली गई। ये कहा जा सकता है कि पुराने फ़ोन का काम ज़्यादा हुआ है, रिपेयर का भी काम है बढ़ा, और जो यूज्ड हैंडसेट थे उनका भी काम काफ़ी मार्केट में तेज़ है नए के कंपैरिजन में, क्योंकि आदमी प्रेफर करता है कि अगर हमें सही फ़ोन मिल रहा है कम रेट में और अच्छा कम चला हुआ तो वो ले लेता है ज़्यादातर यूज फ़ोन भी, तो ये भी है उसका एक फ़र्क। एसेसरीज का क्या हालात है? एसेसरीज में भी ठीक है, क्योंकि एसेसरीज तो ऑलरेडी पहले ही से सस्ते चल रही थी, अब ये है कि इतना कंपटीशन है एसेसरीज में भी, ऑनलाइन भी बिकती है, तो एक नॉर्मल रेट पे एसेसरीज रन करती है, क्योंकि उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जो भी आदमी नया भी लेता है या पुराना भी लेता है तो वो एक ओवरऑल 15-20 दिन में टेम्पर टूट जाएगा या कवर उसको चेंज करना है तो वो हो ही जाता है 20-25 दिन में। पुराने मोबाइल का जब मार्केट हल्का सा उभर के आया या रिपेयरिंग का आया है तो पुरानी एसेसरीज जो मॉडल की हो रही होगी वो एसेसरीज डंप होती रहती है, लेकिन क्या है ना कि वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास नया है तभी आपके पास पुराना वाला कस्टमर भी घूम टहल के आएगा जिसके पास पुराना होगा, तो वो उसी के साथ नए के साथ पुरानी भी बिकती रहती है, लेकिन स्टॉक डेड बहुत होता है इस काम में एसेसरीज का। अच्छा हर साल के मुकाबले इस साल क्या पोजीशन लग रही है आपको? सर इस साल पहले जो लास्ट ईयर दिवाली के बाद तक के मार्केट अच्छी चली थी लॉकडाउन खुलने के बाद से पिछले साल, क्योंकि लॉकडाउन अचानक हुआ 2 महीने का और उसके बाद पब्लिक को जो भी अपनी नीड्स थी वो पूरी करने का मौका मिला, तो उसने दिवाली के बाद तक के मार्केट ठीक रहा, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की तो दिवाली के पहले की जो मार्केट ऐसी ही नहीं होती थी, जो अब की बहुत ज़्यादा डाउन है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग तो रिपेयर में खैर करते हैं तो उतना फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन नए के कंपैरिजन में नए ही नहीं बिकेंगे तो रिपेयरिंग भी कहाँ से होगी, नए फ़ोन जब बिकेंगे तो रिपेयर भी आएगा, तो नए की मार्केट भी डाउन है। की बात है कि इस बार एकदम मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है बिल्कुल भी इस बार। क्या उम्मीद लग रही है आगे आएगा? उम्मीद तो है कि मे बी हो सकता है कि अब देखिए साल का सीज़न आएगा, दिवाली के बाद शादियाँ वगैरह स्टार्ट होंगी तो थोड़ा बहुत तो अब आता ही है मार्केट, और दिवाली के नियर अबाउट आने के 10 दिन पहले तक के मार्केट थोड़ा बहुत अपग्रेड हो ही जाता है। ऑनलाइन की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं खरीदने के? ऑनलाइन से बिल्कुल जो रिटेल मार्केट है उसमें तो इम्पैक्ट ही है जो है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी आदमी को परचेजर को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि उनका बल्क परचेज है कंपनीज का। नहीं तो आप मतलब एक दुकानदार क्यों नहीं दे पाता वो रेट? दुकानदार इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि दुकानदार के पास एक लिमिटेड पूंजी होती है, वो इन्वेस्ट करता है, कंपनीज क्या करती है उनको दिखता है बेनिफिट कि हमारा बल्क स्टॉक जहाँ जा रहा है वो खरीदते हैं बल्क में, उनसे ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हैं, तो उनको ये स्कीम जो मिलती है ज़्यादा मिलती हैं वो उतना ही और लेस करके बेचते हैं,
ऑनलाइन एक रिटेलर जो होता है वो एक एक करोड़ दो करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लेगा, लेकिन जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उनका हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो वो उस हिसाब से उठाते हैं स्टॉक, तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ उनकी सेल करने की जो पावर है वो भी अच्छी है, वो कम मार्जिन लेके बेच देते हैं, लेकिन यहाँ तो परचेज रेट ही उतना बैठेगा तो कैसे रिटेलर देगा, कंज्यूमर को तो बेनिफिट चाहिए ना अपना। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई, कई बात बताई कि ऑनलाइन की जो क्लासेस हो रहे हैं इसकी वजह से पुराने मोबाइल की डिमांड हुई है, और जब पुराने मोबाइल की डिमांड हुई है तो रिपेयरिंग की हुई, रिपेयरिंग कहीं ना कहीं उभर के आया है, रिपेयरिंग का काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नए मोबाइल का नहीं चल पा रहा है। क्या नाम है? सर अली नाम है। अली भाई, क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, पिछली बार को देखते इस बार तो लग रहा दिवाली दमी बेकार होगी। क्यों, वजह क्या? देखिए दरअसल पहले तो एक कोविड का था, कोविड पे मार्केट में हर चीज़ की इतनी हाइप होती जा रही है, हर चीज़ की रेंज बढ़ती जा रही है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। आए दिन GST बढ़ रही है, कहीं पे जो है पेट्रोल का दाम डीजल का दाम बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, माल कंपनियों का ढंग से आ नहीं पा रहा है, हर चीज़ में ही चीज़ें ज़्यादा देखते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। ठीक है, नोटबंदी हुई 2016 में, तब उसके बाद से तो दिन ब दिन रोज मार्केट का हालात बुरा, मतलब नोटबंदी के बाद से व्यापारी के हालात खराब हो गए। बिल्कुल सर, नोटबंदी के समय तो जिनका नोट बंद करना तो वो आड़े बेड़े रेट पे ला के हम लोगों को पैसा थमा के लेके चले गए, मगर उसके बाद से जो है दिन ब दिन मार्केट डीग्रोथ होती जा रही है, मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं, जब पहले हम लोग जो सेल करते थे ऐसा टाइम रहता था खाना खाने की नहीं फुर्सत देते थे, आज के टाइम में आपके सामने खुद देख रहा हूँ पूरा सुनसान है हालात। दिवाली आने वाली, दिवाली का सीजन है, ऐसा सन्नाटा है। अच्छा, ऐसा सन्नाटा कभी आपने देखा? नहीं, इतना तो नहीं देखा, मई जून के महीने में गर्मी में होता है थोड़ा बहुत, मगर इतना भयानक इस समय नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कहाँ 40-50 पीस बिकते थे, कहाँ 15-20 पीस पे ही रह गया काउंटर, तो बहुत सी दिक्कतें हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक हालात सुधर सकते हैं, कैसा लग रहा है आगे? बता नहीं सकते, हो सकता है सरकार चेंज हो केंद्र से तो कुछ हिसाब बने, क्योंकि आए दिन तो रोज रेट ही बढ़ रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन वाले इतना कम रेट में दे रहे हैं कि हम दुकानदारों को दिक्कतें हो रही हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऑनलाइन सरकार को थोड़ा बहुत इसके लिए देखना चाहिए, डीलर के लिए। अब जो फ़ोन हम लोग यहाँ पे आईफोन बेच रहे हैं 55-54 हज़ार रुपये का, वहाँ 45 हज़ार रुपये का मिला तो कस्टमर हमसे क्यों लेगा? कस्टमर को जब बेनिफिट चाहिए, आप हो या हम हो कोई भी होगा, बेनिफिट ही चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ज़्यादा दिक्कत रहती है इस चीज़ के लिए। देखा आपने कितनी सही बात इन्होंने कही कि आईफोन जैसे फ़ोन में मार्जिन बहुत ज़्यादा दिख रही है ऑनलाइन में, बाकी फ़ोन में तो आपको 1,000-2,000 दिखती है, लेकिन आईफोन जैसे फ़ोन में 10,000 तक का मार्जिन जब दिखती है तो आदमी चाहता है कि ऑनलाइन ही ले ले। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, कैसा चल रहा है इस समय? सर बहुत ज़्यादा सन्नाटा चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। क्यों, वजह क्या? वजह सर वही कोरोना का इफेक्ट है, ये बस कोविड, कोविड का ही इफेक्ट किसको कह सकते हैं आप, उसके बाद से हालात अभी तक ठीक नहीं हुए मार्केट के, मतलब वो रफ्तार नहीं पकड़ा। सड़कों पे तो अच्छी भीड़ दिखती है। सड़कों पर सर है, लेकिन मार्केट में नहीं है सर, पैसे नहीं निकाल रही जनता, बिल्कुल नहीं, या तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है सर लोगों के पास। अच्छा, आप कितने साल से इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 सालों में क्या पहली बार ऐसे बुरे हालात? पहली बार सर ऐसा है। क्या नवरात्र कैसा गया? नवरात्र भी ठंडा ही गया था सर, बिल्कुल वो भी ठंडा ठंडा गया था। एक उम्मीद थी दीपावली की, वो दीपावली भी, दीपावली ही एक उम्मीद थी कि मतलब सेल होगी यहाँ पे, बट कोई क्रेज दिख नहीं रहा दीपावली का भी। कुछ लोग बताया कि ऑनलाइन की वजह से भी हम लोग के का भी असर कह सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा असर है ऑनलाइन का, क्योंकि लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और ऑनलाइन ही ले लेते हैं सामान, जो भी चीज़ लेनी लोगों को। कुछ लोगों ने बताया कि ऑनलाइन सस्ता मिल जा रहा है। हाँ, ऑनलाइन में सर सस्ता तो है, बहुत सस्ता है। क्या रीजन है कि आप ऑनलाइन के रेट में नहीं दे पाते सर? उनको ना कुछ ना बंदे बैठा लेना, उनको प्रमोशन करनी, उन्होंने निकाल दिया, बेच रहे हैं, हमको तो यहाँ हर चीज़ देखना है, उनको बल्क में लेना है, उनको बल्क में माल लेना है, तो यही चीज़ें हैं सर, उसी का इफेक्ट है कि वो यहाँ सन्नाटा इस समय, दिवाली का समय ना तो यहाँ पे भीड़ होती थी इस टाइम पे। श्री राम टावर जो है लखनऊ की सबसे बड़ी मंडी है, मोबाइल मंडी, फेमस मंडी है ये, और यहाँ पे भीड़ रहती थी इस टाइम पे। देखा आपने, ये हालात हैं, ये लखनऊ का श्री राम टावर है जो कि मोबाइल मार्केट है, यहाँ का ये हालात है, इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपने स्टाफ के लिए पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं।
आपने देखा कि एक उम्मीद के संग लोग बैठे हैं कि शायद कल को हालात ठीक होंगे। चलते हैं फिर, कल आपसे फिर मुलाकात हो। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के संग मैं तुषार शर्मा, तब तक लिए नमस्कार।